गुड मॉर्निंग। अरे सब निपटा है उसने पूरा।
Okay, just give me a quick confirmation. Am I fairly audible to all of you now? Yes, sir. Yes. Okay, thank you so much. Okay, so वैसे तो हम लोगों ने कल 3D complete किया था. 3D के questions का practice करना था, but I suppose थोड़ा सा आप लोगों को time देता हूँ मैं 3D खुद से पहले practice करने के लिए, फिर एक lecture लूँगा मैं practice करने के लिए questions का. So आज एक छोटा सा नया topic start कर रहा हूँ. छोटा ही topic है but mains के लिए important है, because इस पे एक question आ जाता है generally. That is statistics. ठीक है, छोटा सा topic है तो अलग से कर लेना, इसको note कर लेना. Purely formula based topic. ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ logic या कुछ भी इसमें नहीं चलता. Formula based चीजें रहेंगी. फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली. और कुछ वैरायटी है जो हम डिस्कस करेंगे बस खाली. अगर इतने पार्ट को भी आपने कंप्लीट कर लिया तो मेंस का एटलीस्ट एक क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, बिकॉज मेंस में स्टार्ट से कम एक क्वेश्चन आता है, कुछ सेशंस में दो तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं. ठीक है, तो थोड़ा समझना. मुझे खाली एक रफ आइडिया दो, बिकॉज आप पहले भी आई सपोज स्टैटिस्टिक्स को पढ़ चुके होंगे. सो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्या होता है इन जनरल? कैलकुलेशन ऑफ डेटा. वेरी गुड, कैलकुलेशन ऑफ डेटा. डेटा को एनालाइज करना, डेटा को यू कैन से फिगर आउट करना कि डेटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन से कुछ नया नंबर निकालना और जिसके बेसिस पे हम उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स बेसिकली. नाउ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ना, कि आपके पास तीन चीज़ों पे या तीन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है. सबसे पहले वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है. ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या हो गया, एक ऑर्डर में लिखता है. नाउ वो ऑर्डर इंक्रीजिंग भी हो सकता है, वो ऑर्डर डिक्रीजिंग भी हो सकता है, वो ऑर्डर टेबुलर फॉर्मेट में भी हो सकता है. लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा. क्रिकेट मैच में बहुत बार ऐसे डेटा आते हैं कि पिछले 5 इनिंग में इस बैट्समैन का एवरेज इतना है, या पिछले 10 इनिंग में उसने इतनी बार इतना स्कोर किया है. तो दैट इज नथिंग बट द डेटा. वो डेटा प्रॉपरली क्या किया है, अरेंज किया गया है फ्रॉम पास्ट 5 इनिंग्स और फ्रॉम पास्ट 10 इनिंग्स बेसिकली. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक ऑर्गेनाइज डेटा बेसिकली. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का पहला काम होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना. स्टैटिस्टिक्स का सेकंड काम, जो डेटा आपने निकाला है उसको समझना और उससे अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन डिड्यूस करना बेसिकली. लाइक इसी में मैं आगे बोलूँ तो, सपोज मुझे दिया गया कि इस बैट्समैन ने पिछले 10 इनिंग में इतना इतना स्कोर किया. नाउ अब अगर मैं उसका एवरेज निकाल लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसके पास्ट 10 मैचेस का एवरेज, कि उसने पास्ट 10 इनिंग्स में कितना स्कोर किया. वही चीज आपको दिखता होगा उसके स्टैट्स में, उसके करियर का एवरेज क्या है बेसिकली. दैट इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स का इन्फॉर्मेशन जो हम यूज करते हैं कहने की. एंड तीसरा, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये एनालाइज करते हैं कि आगे हमको कैसे काम करना है. फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत सिंपल सा केस बोलता हूँ. आई सपोज क्रिकेट मैच आप में से काफी लोग देखते होंगे, यस और नो? यस सर. क्रिकेट मैच कैसी होती है, डीआरएस? अच्छा कोई बात नहीं, डीआरएस सुना है? यस सर. हाँ, DRS इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बहुत बार देखा होगा. हाँ नहीं, अब वो थोड़ा तू ज्यादा चला गया, ज्यादा इतना नहीं करना. DRS इज डिफरेंट, अब किसी को फुल फॉर्म पता होगा तो बता देना, मुझे तो नहीं पता. बट इट इज नॉट डेफिनेटली धोनी रिव्यू सिस्टम. यस, वो उसको जाना जाता है उस नाम से, बट वो अलग है. बट यस, DRS में एक चीज सिंपल समझना, DRS बेसिकली आपके पास स्टैटिस्टिक्स का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं. और एक आप लोगों ने सुना होगा डकवर्थ लुईस, सुना है कि नहीं? क्या सर? डकवर्थ लुईस मेथड. डकवर्थ लुईस ये जब आपके पास अचानक से मैच में बारिश आ गया या कुछ हो गया तो उनकी स्कोर्स को चेंज किया जाता है बेसिकली, कि अब टारगेट DLS. यस यस, DLS, डकवर्थ लुईस सिस्टम बेसिकली. सो वो क्या करता है ना, कि स्टैट्स के बेसिस पे वो उस टारगेट को और नंबर ऑफ ओवर्स को रिवाइज करते हैं बेसिकली. तो दैट इज नथिंग बट ड्यू टू स्टैटिस्टिक्स ओनली. वो स्टैट्स को, पिछले स्टैट्स को एनालाइज करते हैं कि पुराने इस सेम ग्राउंड पे मैचेस में क्या हुआ था, किस तरीके से स्कोर्स हुए थे, कितना अभी बैट्समैन आउट हुआ है, वो सब स्टैट्स का एग्जांपल है. तो ये उसका स्टैटिस्टिक्स का एक थर्ड पार्ट हो गया बेसिकली, विच इज कि डेटा को एनालाइज करके प्रॉपरली उससे इन्फॉर्मेशन डिड्यूस करना. ठीक है, नाउ अब हम आते हैं अपने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि डेटा क्या होता है और डेटा को हम लोग किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं. सो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी बात करूंगा. डेटा तो आप सबको पता होगा डेटा क्या होता है. हम डेटा को तीन पार्ट से जानते हैं, तीन टाइप से जानते हैं. सबसे पहला पार्ट होता है डेटा का रॉ डेटा, जिसको हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा. ठीक है, अनग्रुप्ड बोलो, रॉ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है. कोई बताना चाहेगा इसका मीनिंग क्या होगा, अनग्रुप डेटा या फिर रॉ डेटा? नाम से क्या लग रहा है सर? मतलब जो अरेंज नहीं होता, खाली ऐसे रखा होता है. वेरी गुड, रैंडम वैल्यूज बेसिकली, कुछ भी उठा के दे दिया कि हाँ 5, 10, 5, 15, 12, 13, कुछ भी नंबर्स दे दिए रैंडमली, जो अरेंज नहीं है, रॉ है प्रॉपरली. तो वो हो गया आपके पास ग्रुप डेटा या रॉ अनग्रुप डेटा बेसिकली. ठीक है, इसी के बाद सेकेंड होता है अपने पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा,
सबसे पहले मुझे एक वर्ड बताओ, फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब आप क्या डिड्यूस करते हो मैथमेटिकली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? चलो इसको इस तरीके से देखना. हाँ बोलो. नंबर ऑफ टाइम्स. नंबर ऑफ टाइम्स, यस, मैथमेटिकली इट इज नंबर ऑफ टाइम्स बोल सकते हो, करेक्ट है. सो इसमें क्या होता है ना कि सपोज कोई डेटा कुछ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसको उतनी बार लिखने की बजाय आप क्या बोल दोगे कि ये डेटा का फ्रीक्वेंसी 5 है, ये डेटा का फ्रीक्वेंसी 10 है. वो डेटा जितनी बार रिपीट हुआ वो उसका फ्रीक्वेंसी बन जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, जहां पे हम हर एक डेटा को, हर एक एलिमेंट को उतनी बार नहीं लिखते, हम सिंपली बताते हैं कि इस डेटा का फ्रीक्वेंसी ये है बेसिकली, ताकि अपना कैलकुलेशन ईजी हो जाए. एंड इसी का थर्ड पार्ट आपके पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, और आपके पास इसी को हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा. कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और ग्रुप्ड डेटा, इसको बताने का बहुत सिंपल सा एग्जांपल बहुत बार देखा होगा. अगेन एग्जांपल क्रिकेट मैच का लूंगा, मुझे काफी पसंद है इसलिए, कि दिखाते हैं स्टैट्स में कि 0 से 10 ओवर्स में ये ओवर रन रेट रहा, 10-11 से 20 में ये रन रेट रहा, फिर 21 से 30 में ये रन रेट रहा. तो इस तरीके से आपको एक कंटिन्यूअस डेटा मिलता है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. ये सब चीजें यहाँ पे नहीं थी, ये एग्जैक्टली यहाँ पे आई बेसिकली, जहाँ पे आपको स्टैट्स को किसी किसी पार्ट में ब्रेक कर दिया गया कि इस गिवन इंटरवल में ये डेटा है, फिर नेक्स्ट गिवन इंटरवल में ये डेटा है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और ग्रुप डेटा. हम लोग जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो इन तीनों चीजों के लिए पढ़ेंगे. रॉ डेटा के लिए अलग आएगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए अलग आएगा, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए अलग आएगा. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग जिसपे आपके क्वेश्चन बनते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू. अब इसके अंदर भी कुछ टर्म्स हैं, हम वन बाय वन उन टर्म्स को पढ़ेंगे. मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है सिंपल सा, जैसे आपने सुना होगा एक टर्म मीन या फिर एवरेज, इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकली? सर जितने टर्म्स है उनका एडिशन डिवाइड बाय कितने टर्म्स है उनका नंबर नीचे. ये तो बेटा आपने मुझे ये बता दिया कि इसका वैल्यू क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्या ये आपको पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? मीन क्या बताता है आपको? किस नंबर के अराउंड सारे डेटा है. यस, वेरी गुड. ये आपको बताता है कि आपका जो भी डेटा है वो किस नंबर के अराउंड है. मीन इज नथिंग बट द एवरेज, वो सब डेटा का एवरेज निकाल देगा. जैसे ही आपको एवरेज मिल गया तो आपको एक चीज मिल जाएगी कि हाँ दिस इज द नंबर जिस नंबर के अबाउट आपके वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रहे हैं बेसिकली. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी देखते हो कि सपोज करो किसी बैट्समैन का एवरेज है 35 का, तो उसका मतलब हम ये डिड्यूस करते हैं कि पर मैच ऑन एन एवरेज इसने 35 रन का स्कोर किया है. इट इज नॉट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने हर मैच में 35 स्कोर किया है. किसी मैच में 0 भी होगा, किसी में 70 भी होगा, बट मीन कितना आ गया आपके पास 35, मतलब आपका 35 के अराउंड उसका बेसिकली एवरेज या मीन चलता है. तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू, इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास होता है मीन. पहले हम मीन को निकालना सीखेंगे कि इन डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, और फिर बाकी सेकेंड सेंट्रल वैल्यू पे जाएंगे. सो मीन जो आपने बोला वो हमने भी डिस्कस किया कि आपके पास सेंट्रल वैल्यू या फिर एवरेज जो है उसी को हम मीन में डिनोट करते हैं. बट क्या होता है कि मीन के आपके पास अलग अलग टाइप है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा. अगर रॉ डेटा होगा तो उसका मीन अलग तरीके से निकलेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका अलग निकलेगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होगा तो उसका अलग निकलेगा बेसिकली. तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जिस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं अपने पास. मीन के अंदर अपना फर्स्ट पार्ट आएगा बेसिकली मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इसी को हम बोलते हैं रॉ डेटा. कि अगर आपके पास रॉ डेटा है तो उसका मीन कैसे निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. इसका सिंपल सा नोटेशन होता है एक्स बार, ये ध्यान रखना. मीन को हमेशा डिनोट करेंगे एक्स बार से. बहुत सारे क्वेश्चन में मीन ना लिख के वो एक्स बार लिख देता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. एक्स बार का मतलब मीन होता है. मीन इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली. ठीक है, ये समेशन एक्स आई का मतलब क्या है ये आपको समझा? ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन में जो भी ऑब्जर्वेशन के वैल्यू थे उन सबको ऐड कर दो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी थे अपने पास. इसको मैं लिख देता हूं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास जितने ऑब्जर्वेशन थे
उन सबको आप अपॉन में ले लोगे बेसिकली, जिसको आपने एवरेज पढ़ा भी था और ये आपको अच्छे से आता है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज फॉर रॉ डेटा, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके पास आप निकाल रहे हो मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मुझे खाली इतना बताना, नाम से समझ गया होगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में क्या मतलब, क्या डिफरेंस रहेगा? सर कंटिन्यूअस में तो वो रेंज का आएगा ना, जो रेंज में पर्टिकुलर लाइट कर रहा है उसका आएगा। वेरी गुड। कंटिन्यूअस में क्या होता है बेसिकली आपके पास के रेंज के अगेंस्ट चलता है कि 0 से 10 में ये है, फिर 11 से 20 में ये है, फिर 21 से 30 में ये है। डिस्क्रीट में क्या होता है, रेंज नहीं होती बट एक एक ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी टाइम्स रिपीट होता है। सो उसको मैं सिंपल सा लिखूंगा, सपोज करो कि मेरा एक्स वन ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी एफ वन है, ठीक है, मतलब एक्स वन ऑब्जर्वेशन एफ वन टाइम्स मूव कर रहा है, एक्स टू ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी एफ टू है एंड सो ऑन। मेरा एक्स आई ऑब्जर्वेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास एफ आई है। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि मेरा एक्स वन ऑब्जर्वेशन एफ वन टाइम्स आ रहा होगा। इसको इस तरीके से देख सकते हो कि रॉ डेटा में क्या था, सपोज करो पांच आपके पास ऑब्जर्वेशन है तो आप पांचों ऑब्जर्वेशन को ऐड करोगे, उनको डिवाइड बाय फाइव कर दोगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या फिर आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि एक एक डेटा मल्टीपल टाइम भी आ जाता है बहुत बार, कि सपोज करो कि एक्स वन जो है वो पांच बार आ गया, फिर एक्स टू छह बार आ गया, तो हम उतनी बार ना लिख के फ्रीक्वेंसी को यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा लॉजिकली आपको समझ जाएगा, हम क्या लिखते थे सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, उसी चीज को यहाँ पे क्या मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई। क्या बोलूँ, अल्टीमेटली इसका मतलब तो यही हुआ सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। यस सर, जो जो वैल्यू जितनी बार आया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या आएगा ये बताओ, ये इंटरेस्टिंग है, अपॉन में क्या आएगा फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। यस वेरी गुड, अपॉन में आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे बिकॉज आप क्या बोलते थे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ से आएगा बिकॉज एक्स वन ऑब्जर्वेशन अगर एफ वन टाइम्स है, एक्स टू ऑब्जर्वेशन एफ टू टाइम्स है एंड सो ऑन, तो बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास होगा समेशन ऑफ एफ आई। अगेन इसका मतलब भी सेम निकलेगा, ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है दैट इंडिकेट्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और जो अपॉन में लिखा हुआ है वो बेसिकली दिखाता है आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिर्फ उसी चीज को हमने थोड़ा सा लेंदी पार्ट बना दिया, लेंदी नहीं मैं बोलूंगा फर्स्ट वाला पार्ट जो है इट इज यूज फॉर स्मॉलर डेटा ग्रुप, जहां पे 5-10 एलिमेंट होंगे डायरेक्टली यूज कर लो, पर अगर कहीं पे सपोज करो आपके पास लेट्स से 100, 200, 500 आपके पास यू कैन से एलिमेंट्स हैं, तो उनको यूज करने के लिए हम सेकंड पार्ट यूज करते हैं। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, सपोज करो मैं आपसे ये देखूंगा कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका एज का एवरेज क्या है, तो ऑलमोस्ट क्या होगा ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एज का एवरेज 15, 16, 17, अचानक से कोई 12 साल का बच्चा तो नहीं हो जाएगा आपकी क्लास में, करेक्ट है, या 20 का तो नहीं हो जाएगा, इसमें ही फ्लक्चुएट करेंगे, इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आएगी, लेट अस से 15 साल के सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं, फिर 16 साल के आपके पास कुछ 20 है, तो इस तरीके से अपन उसका मीन जो निकालेंगे उस मीन के लिए रॉ डेटा अपने को हेल्प नहीं करेगा, उस मीन के लिए फ्रीक्वेंसी हेल्प कर देगा बेसिकली। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझा? यस सर। चलो ओके, नाउ अब इसी में आपके पास थर्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो गया, रॉ हो गया, अब थर्ड अपने पास आ जाएगा मीन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, मीन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मीन कैसे निकालते हैं? नाउ यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, फिर एग्जांपल में हम समझेंगे एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करना है। यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला होता है, अगर कुछ लोगों ने 10th में स्टैट्स पढ़ा होगा तो डेफिनेटली फॉर्मूला आपको पता होगा, मोस्टली ये फॉर्मूला ना सीबीएसई में होता था, सो मोस्टली मुश्किल है कि आपको शायद देखा हो, बट एक बार मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज कैपिटल ए प्लस 1/n टाइम्स समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए, ठीक है, मीन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कैपिटल ए प्लस 1/n टाइम्स समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए, जहां पे आई जो है वो 1 से लेके एन तक है। नाउ ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें सिंबल्स के या नोटेशंस क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले ए होता है अपने पास अज्यूम्ड मीन,
assumed means continuous frequency में क्या होता है ना कि आपको एक टेबल दिया होता है, एक चार्ट दिया होता है, तो उस चार्ट के बेसिस पे आपको एक मीन को इसमें अज्यूम करना होता है। ऑब्वियसली बात है वो आप अज्यूम रैंडमली भी कर सकते हो और चाहो तो उसको एक लॉजिक है उसके बेसिस पे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक मीन को रैंडमली अज्यूम करना होता है। नाउ उस मीन को अज्यूम करने के बाद आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। ऑब्वियसली एफ आई डिनोट्स दी फ्रीक्वेंसी, एक्स आई डिनोट्स दी करंट फ्रीक्वेंसी जिसमें हम डील कर रहे हैं, और एन डिनोट्स दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। एफ आपके पास हो जाएगा बेसिकली एफ आई denotes the ith frequency, fi denotes the ith frequency, and आपके पास जो हमने xi minus a लिखा हुआ है it denotes the deviation, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हर एक value में से, हर एक observation में से अपने assumed mean को minus कर रहे हैं, ये deviation denote करता है। Obviously इसको समझने के लिए एक question necessary है, so मैं एक question भी यहाँ पे आपको लिखा के solve करवा देता हूँ। Just give me a second, मैं एक question copy paste कर रहा हूँ। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या बोला गया अपने को कि फाइंड दी मीन ऑफ दी फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा को देख के आपको समझा कि डेटा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है? यस सर। ठीक है, अब अपना जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को अपने को यूज करना है। फॉर्मूले को यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा रिक्वायरमेंट है ये समझना। सबसे पहले तो हमको ए अज्यूम करना है। मुझे एक सिंपल चीज बताओ, पहले क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। हम जो मीन निकाल रहे हैं वो मुझे किसका मीन मिलेगा? दो ही चीजें हैं, या तो मार्क्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट। मुझे किसका मीन मिलेगा? मार्क्स का। मार्क्स का, यस। ये सबको क्लियर है? बिकॉज कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन कर देते हैं कि सर हम इसका ही क्यों निकालते हैं। तो हम लोग मार्क्स का मीन निकालेंगे, बिकॉज ये अपना फ्रीक्वेंसी है कि इतने मार्क्स के बीच में इतने लोग हैं, सो ऑन। तो हम लोग को मार्क्स का मीन मिलेगा। नाउ अब मार्क्स का मुझे मीन निकालना है, तो बाई यूजिंग आपके पास दिस फॉर्मूला, सबसे पहले मुझे ए अज्यूम करना होता है। तो ए मैंने क्या बोला, ए का एक टेक्निक है अपने पास। आप चाहो तो उसको रफली या ओरली भी अज्यूम कर सकते हो, चाहो तो हम मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उसको यूज करना। अज्यूम मीन का मतलब क्या होता है ना कि आपको पता है कि वैसे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत अलग अलग है, बट इसके दो लॉजिक होते हैं ए को अज्यूम करने के। पहला लॉजिक, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसका एवरेज ले लो, ठीक है, पहला ये लॉजिक रहेगा। दूसरा, आप ऑब्जर्व करो कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, उसका मिड पॉइंट ले लो। इसमें आपको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे दिख रही है? 40 to 50। अगर इसका एवरेज लूंगा तो क्या आ जाएगा बीच में? 45। ठीक है, या फिर जो मैंने आपको बोला मिनिमम और मैक्सिमम, बेसिकली मिनिमम कितना है 10, मैक्सिमम है 80, तो इनका भी एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास? 45। तो कोइंसिडेंटली इस केस में दोनों सेम आ रहा है, बट अगर सेम नहीं भी आया तो आप कोई भी ले सकते हो, अल्टीमेटली आपके आंसर पे इफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने ए को अज्यूम किया है 45, ठीक है, ये मेरा ए बन गया। नाउ अब नेक्स्ट मेरे पास मुझे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। बिफोर अप्लाइंग दी फॉर्मूला मुझे निकालना होता है बेसिकली समेशन। अब जो समेशन है उस समेशन को निकालने के लिए मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा। वो टेबल मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ ये समझना। इस टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी? पहली इन्फॉर्मेशन रहेगी अपने पास मार्क्स का जो क्राइटेरिया था ये वाला। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या मैं बोलूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट बेसिकली एफ आई हो गया मेरा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। यस सर। ठीक है,
नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, नेक्स्ट मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी xi माइनस a, ठीक है। अब ये xi माइनस a, a तो मुझे पता है 45, मुझे बताओ व्हाट विल बी xi, xi माइनस a क्या लोगे या xi क्या लोगे। सो एक सिंपल चीज यहाँ पे देखो, हम जो मीन निकाल रहे हैं वो x बार है, तो बेसिकली हम मार्क्स का मीन निकाल रहे हैं, तो मुझे वो फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स हैं उनको एक्साई लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर एक्साई का तो रेंज है, हम एक्साई कैसे लेंगे, तो इसका भी सिंपल सा लॉजिक है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करोगे, इसका जो एक्साई है उसको अज्यूम करोगे 15, इसका एक्साई आप अज्यूम करोगे 25, इसका एक्साई अज्यूम करोगे 35। ये मैं क्या कर रहा हूँ सबको समझ रहा है, अब मुझे अपने टेबल में क्या क्या चाहिए थे, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट इज xi माइनस a, a इज ऑलरेडी गिवन। अब fi और xi माइनस a मिल गया, तो एज पर दी फॉर्मूला नेक्स्ट इज क्या चाहिए थी, fi इंटू xi माइनस a, ठीक है। मुझे टेबल देख के बताओ एक दो वैल्यूज को, बाकी फिर हम लोग लिख लेंगे। मुझे बताओ 10 टू 20 जिनका मार्क्स है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2, वेरी गुड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ xi माइनस a इन दिस केस, xi हमने कितना बोला इस केस का, 15, 15 माइनस 45 माइनस ऑफ माइनस 30, ठीक है। और fi इनटू xi मतलब ये हो गया माइनस ऑफ 60। ये सबको समझा फर्स्ट कैसे लिखा, चलो क्विकली बाकी वैल्यूज लिखो, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड।
चलो डेटा को जल्दी से नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला एक बार आपका चेक करना है, डेटा जो आपने नोट किया होगा 20 से 30 इसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 3 एक्स आई माइनस ए कितना आ जाएगा इसके लिए माइनस 20। एक काम करता हूँ इसको राइट लिख देता हूँ माइनस 10 0 10 20 और 30। ये हमेशा इस ऑर्डर में चलता है, मतलब ऐसा आपके पास ऑर्डर मिलेगा आपको ऑलवेज। 20 30 हो गया, नेक्स्ट इज 30 40 40 50 50 60 60 70 एंड 70 80। नाउ फ्रीक्वेंसी जो दिया था दैट इज 2 3 8 14 8 3 एंड 2। नाउ समेशन इसका निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट बेसिकली दैट विल बी माइनस 60 माइनस 80 0 यहां पे हो जाएगा 80 दिस विल बी 60 दिस विल बी 60। अब इसको ऑब्जर्व करो, जब मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो इन सबका एडिशन चाहिए था अपने को, मुझे बताओ अल्टीमेटली इन सबका एडिशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ठीक है। अब अपने फॉर्मूले पे आना, जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला अपने पास था a प्लस वन अपॉन n टाइम्स इसका समेशन, ये वैल्यू तो जीरो हो गया, तो इस केस में जो x बार है वो x बार बेसिकली a बन चुका है, दैट इज नथिंग बट जो हमने मीन अज्यूम किया कॉन्सिडेंटली वही इस ऑब्जर्वेशन का प्रॉपरली मीन है, तो इस केस में जो मीन होगा दैट विल बी 45। ये समझे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास आंसर कैसे निकालते हैं। हाँ बेटा बोलो सर, ये अज्यूमिंग हम लोग कैसे लेते हैं वो बताना एक बार। बेटा अज्यूम मीन लेने के दो मेथड है, सबसे पहले अज्यूम मीन हम लोग तब लेंगे जब फ्रीक्वेंसी अपने पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइक दिस केस ठीक है। अब अज्यूम मीन निकालने के लिए एक टेक्निक चलता है कि मिनिमम जो भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन मिनिमम कितना है 10 और मैक्सिमम है 80, तो इन दोनों का एवरेज ले लो 10 प्लस 80 बाई 2 दैट इज 45। दूसरा तरीका ये होता है कि ऑब्जर्व दी आपके पास एक्स, ऑब्जर्व दी एक्स जिसमें आपके पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है मुझे इसमें, तो इसका जो आपके पास मीन रहेगा दैट विल बी अज्यूम मीन, तो 40 और 50 का मीन दैट इज 45, ये अज्यूम मीन हो गया। आप दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो, अल्टीमेटली वैल्यूज डिफरेंट आ सकते हैं बट आपका जो मीन है एक्स बार उसका वैल्यू सेम आएगा आपके पास। ओके सर ठीक है। हाँ सो ये अपने पास अब आपको समझ गया होगा कि देखो स्टार्टिंग के जो दो फॉर्मूले मैंने बताए दैट इज एक रॉ डेटा वाला और एक आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला, ये दोनों फॉर्मूले उतना इजीली यूज नहीं होंगे, बट थर्ड इज समथिंग जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे लॉजिक इन्वॉल्व है, तो थर्ड पार्ट पे आपके पास मीन पे क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है। नाउ मीन निकालने के ये तीन टेक्निक तो थे, पर इसके अलावा कुछ और मैथमेटिकल टेक्निक्स भी हैं, उनको भी हम जल्दी से पढ़ लेंगे। लाइक इसी का पार्ट फोर एक टेक्निक और होता है जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी था कि एक एक ऑब्जर्वेशन इतनी बार रिपीट हो रहा था तो उसका आपने मीन निकाला था मल्टीप्लाई करके, कभी कभी ये होता है कि आपको वो कुछ सीरीज के मीन दे देता है कि लेट अस से एक सीरीज में आपके पास सपोज करो एन वन आपके पास उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं या ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन है एक्स वन बार, फिर सेकेंड सीरीज है जिसमें एन टू ऑब्जर्वेशन है उसका मीन है एक्स टू बार, ऐसे आपके पास एन आई सीरीज है जिनका मीन है एक्स आई बार। बेसिकली उसने क्या किया, अब आपको बहुत सारे मीन के सीरीज दे दिए और बोला कि इनका कंबाइंड मीन बताओ, जब इन सबको ऐड कर लेंगे तो इनका कंबाइंड मीन क्या होगा। तो अगेन यहाँ भी अपना मीन का फॉर्मूला सेम चलेगा, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समेशन एन आई इंटू एक्स आई, बेसिकली मैंने सबको ऐड कर दिया क्योंकि इसका मतलब था कि फर्स्ट सीरीज का मीन एक्स वन बार है और उसमें अगर एन वन ऑब्जर्वेशन है तो सबको मल्टीप्लाई करने पर सम बन जाएगा बाई डिफॉल्ट, तो मैंने वही किया। अपॉन में क्या आएगा ये बताओ, अपॉन में क्या लिखे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे इस केस के लिए, n1 plus n2 that is summation of ni, ये बन गया अपने पास number of observation in this case, तो ये अपने पास combined mean हो गया, जब आपको mean की series दी है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं combined mean, okay, just hold on a second।
सो कंबाइंड मीन का अपने पास टेक्निक ये हो गया। इसी में एक फॉर्मूला लास्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं वेटेड मीन। नाउ वेटेड मीन क्या होता है, तो कभी कभी आपके पास जैसे कंबाइंड मीन का टेक्निक था उस तरीके से इसका भी टेक्निक है। कभी कभी आपके पास क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग एक वेट असाइन होता है बेसिकली। अब वो वेट मतलब नेसेसरी वेट मतलब किलो वाला वेट नहीं है, दैट कुड बी सम वेरिएबल, दैट कुड बी समथिंग जो उसके हाथ में आपको दिखाता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन और उसके करस्पॉन्डिंग का जो वेट है उसको देखना है। लेट अस से x1 ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग का वेट आपको w1 दिया है, x2 ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग का वेट आपको w2 दिया है, एंड सो ऑन। xi ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग का वेट आपको wi दे रखा है। तो अगेन इसमें अगर आप x बार निकालोगे तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला वर्क करेगा, xi into wi upon summation of wi। सिंपली ऐसा होता है ना कि बहुत बार तो इस केसेस को आप बिना वेट के कहीं इसकी डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हो, बिकॉज फॉर्मूला डायरेक्ट है तो फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं होता। सो कहीं भी आपको अगर मीन निकालने का बोलता है तो आपने एक लॉजिक समझ लिया होगा कि मीन के केस में अपने पास क्या हो रहा है, हमेशा हमको सेम वैल्यू ही मिल रही है, सिर्फ हमको कैसे भी करके सारे ऑब्जर्वेशन का सम निकालना है और उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है बस खाली। ओनली एक्सेप्ट द केस जहाँ पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इसलिए मैंने आपको कंटिन्यूस वाले पार्ट का एग्जाम्पल करा दिया। बाकी एक एग्जाम्पल हम नॉर्मल पार्ट का भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली ये नॉर्मल भी नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्रैक करने का ट्राई करना। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे बताओ इसको अप्रोच कैसे करोगे। इट सेज द मीन वेट ऑफ 150 पर्सन इन अ ग्रुप इज 60 केजी। टोटल 150 पर्सन है एक ग्रुप में जिनका मीन वेट 60 केजी है। अब उसी ग्रुप में जो आपके पास मेन है उनका मीन वेट 70 केजी है और जो वुमेन है उनका मीन वेट आपके पास 55 केजी है। तो बताओ कि नंबर ऑफ मेन और वुमेन कितने होंगे, कैसे इनिशिएट करोगे इसको। क्वेश्चन इजी है बट ये है कि इस टाइप का सेम क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में ऑलरेडी आ चुका है। बोलो कैसे इनिशिएट करोगे। सर दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड, ओके। चलो थोड़ा सा मैं और इसका लॉजिक देता हूँ। लेट अस से जो आपके पास नंबर ऑफ मेन है मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ x और नंबर ऑफ वुमेन है उनको अज्यूम कर रहा हूँ बेसिकली y, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, टोटल आपको दिया है 150 पर्सन, तो क्या एक इक्वेशन तो बन गई कि x plus y जो है that is coming out to be 150, ये समझे? ये तो, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, मीन वाली इक्वेशन पे। मुझे एक सिंपल चीज बताना, आपके पास अगर मैं यहाँ पे इस टेबल को या फ्रीक्वेंसी को समझने का ट्राई करूँ तो मेन का जो मीन वेट है वो अपने पास 70 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 70 केजी का फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने x अज्यूम किया है, बिकॉज 70 केजी में टोटल आपके पास x मेन है एवरेज के साथ। सिमिलरली वुमेन का जो एवरेज वेट है वो है 55 केजी, इसका फ्रीक्वेंसी मैंने y अज्यूम किया है। नाउ एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीन, अगर मैं इनका मीन निकालूं तो क्या बोलूं, ये आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला केस बन गया। 70 इंटू x ये आ गया मेन का वेट और वुमेन का वेट कितना हो गया 55 into y, the whole upon, upon में क्या लिखूं बोलो? 150 x plus y, yes, x plus y 150, और आपको overall mean तो दे रखा था, कितना था overall mean? 60 kg, तो यहाँ पे आपका एक equation और create हो गया, that is 60 is equal to 70 times of x plus 55 times of y, the whole divided by 150. XY में दो इक्वेशन दो अननोन, कर लोगे सॉल्व? यस सर। ओके क्विकली सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे x और y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है।
ओके ऑलमोस्ट सबने सॉल्व कर लिया है, एक बार को क्रॉस चेक कर लो क्विकली। यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया है वो एक्स का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 50 एंड वाई का वैल्यू इज 100। बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आपने सॉल्व किया है दैट इज कमिंग आउट टू बी 50 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 100। सबका सेम आंसर आया है? हाँ चलो जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। सो ये अपना मीन का पार्ट था। देखो मीन इज समथिंग जहाँ पे आप जनरली अटकते नहीं हो बिकॉज मीन आप यूज करते आते हो तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाता है। जो अटकने वाला केस था मैं आपको करवा दिया कंटिन्यूस वाला जहाँ पे अटकने का चांस रहता है। नाउ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट तो आपके पास मीन था जो हमने डिस्कस किया। नाउ अब इसी का मैं सेकेंड पार्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पार्ट आपके लिए शायद नया होगा जिसमें मिस्टेक भी होती है। सो कुछ लोग क्या करते हैं मीन और मीडियन को एक ही मान लेते हैं, वैसा नहीं है, मीडियन इज डिफरेंट। कोई बताएगा व्हाट इज मीडियन? एनीवन? चलो एक सिंपल टेक्निक बोलता हूं जिससे कोई मीडियन का डेफिनेशन भूलोगे नहीं। ट्रायंगल में मीडियन होता है पता है? यस सर। ट्रायंगल का मीडियन पढ़ा था। वो मीडियन क्या करता था? टू इक्वल वापस बोलना एक बार जरा। व्हाट इज टू ट्रायंगल लाइन के मिड पॉइंट होता था? हां इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो। पहला कि मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, या फिर दूसरा बोल सकते हो कि वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, मिड पॉइंट से जॉइन करते थे बेसिकली। सो मीडियन का लॉजिक ही वही है कि मीडियन इज दैट वैल्यू जिसके पहले और जिसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। मतलब हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन हाफ ऑफ द स्कोर इस मीडियन के जस्ट ऊपर होने चाहिए, हाफ ऑफ द स्कोर इस मीडियन के जस्ट नीचे होने चाहिए, उसी को हम मीडियन बोलते हैं। तो आप कभी भूलोगे नहीं बिकॉज ट्राइंगल का जो मीडियन कॉन्सेप्ट था वही मीडियन कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि कभी भी आप अगर मीडियन की बात करोगे तो मीडियन इज दैट नंबर जिसके ऊपर आपके आधे स्कोर रहेंगे और एग्जैक्टली आधे उसके नीचे रहेंगे। जो मीच का जस्ट वैल्यू है उसको हम मीडियन बोलते हैं जिसके लिए। ठीक है, नाउ जैसे हम लोगों ने मीन निकालने का टेक्निक सीखा था अपने पास हर एक केस के लिए, उसी तरीके से मीडियन का भी टेक्निक है। सबसे पहले आपके पास आएगा मीडियन फॉर आपके पास रॉ डेटा या फिर इंडिविजुअल सीरीज। रॉ डेटा या फिर इंडिविजुअल सीरीज इसका हमको निकालना है, सपोज करो मीडियन। तो अब इसका टेक्निक क्या होता है ये समझना। अगर आपको कोई भी रैंडम डेटा दे दिया उठा के बताओ इसका मीडियन क्या है, तो आपको सिंपल सा उस सीरीज को अरेंज करना है। अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ऑब्जर्वेशन वाइज उसको अरेंज कर लेना है बेसिकली कि आपके पास जो सीरीज है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में अरेंज हो जाए बेसिकली। नाउ सपोज करो कि उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास n है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है दैट इज इक्वल टू n। सो अब यहाँ पे डिपेंडेंसी आती है n की वैल्यू पे। इफ n इज ऑड, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो आपको भी पता है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो एग्जैक्टली बीच में एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसके लेफ्ट में और राइट में नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 11। ठीक है, 11 इज समवन जिसको अगर मैं 1 से लेके 11 तक का नंबर लिखूं तो बीच में 6 आएगा, 6 के पहले भी 5 वैल्यू और 6 के बाद में भी 5 वैल्यू है। इट इज सिमिलर टू बाइनोमियल थ्योरम में जो आप करते थे मिडिल टर्म, याद है? यस सर। हां ये वही चीज है। तो अगर n ऑड रहेगा तो आपका जो मीडियन है उस मीडियन को आप बोलोगे मीडियन इज नथिंग बट n प्लस 1 by 2। ये ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन डिनोट करेगा। दिस विल बी द मीडियन n प्लस 1 by 2 दैट विल बी योर मीडियन। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 11th का ये वही चीज है बेसिकली कि आपके पास यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करते हो ऑड वाला केस, तो ऑड वाले केस में 11 दिया, 11 प्लस 1 by 2 दैट बिकम 6। तो 1 से लेके 11 तक के ऑब्जर्वेशन में 6 डिनोट्स द मीडियन बेसिकली। अब अगर थोड़ा बहुत याद होगा बाइनोमियल तो मुझे बताना, व्हाट इफ n इज इवन? अगर इवन होता था तो क्या था आपके पास? n by 2 plus 1। यस, फिर आपको दो मीडियन मिलते थे बेसिकली। वो दो मीडियन का वैल्यू क्या था? n by 2 and by 2 plus 1। यस, n by 2 and n by 2 plus 1। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है? अब वो चेंज क्या होगा वो देखो, n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th
ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का एवरेज ले लेना। ठीक है, ये आप पहले नहीं करते थे, मैनुअल में आप इन दोनों को ही लिखते थे, बट यहाँ पे दो नाव के फाइनली मिलेगा एक ही, बट जो आपने निकाला है उसका एवरेज मिलेगा। तो इट विल बी एन बाई टू एथ प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, दैट विल बी मीडियन ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको रॉ डेटा देगा बेसिकली। तो किसी भी रॉ डेटा के लिए हमको मीडियम डिवाइड या मीडियम कैसे डिराइव करना है वो सबको समझ गया। ठीक है, सिर्फ डेटा को अरेंज करना मत भूलना, रैंडम डेटा को तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले डेटा को अरेंज कर लेना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाई करना। चलो नेक्स्ट, आपके पास इसी में मीडियन हम निकालेंगे फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। नाउ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था अपने पास, कि एक ही ऑब्जर्वेशन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। अब जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की आप बात करोगे तो इस केस में आपको क्या करना होता है, इस केस में आपको थोड़ा सा आपके टेबल को आपके वैल्यूज को अरेंज करना होता है। ठीक है, आयुष एवरेज देने का लॉजिक ये है ना कि हमको एग्जैक्टली मिड पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, तो आपने जो निकाला वो मिड पॉइंट नहीं है, वो दो वैल्यूज है बेसिकली, उन दोनों का जब मैं एवरेज देता हूँ मुझे एग्जैक्ट मिड पॉइंट मिल जाएगा, जिसके लेफ्ट में और जिसके राइट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। तो वही उसका हाफ लेने का, उसका वन बाई टू लेने का लॉजिक है बेसिकली, कि एग्जैक्टली हाफ लेने से क्या हो जाता है कि मुझे वहां पे एग्जैक्ट नंबर मिलता है जो मेरे मीडियम को डिनोट करता है बेसिकली। हाँ, नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं। अब सोच के बताओ ऐसे केस में आप मीडियन कैसे निकालोगे, एनी आइडिया? चलो मैं बताता हूं सिंपल सा, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ क्या आपको ये वर्ड का मतलब पता है, व्हाट इज क्यूमुलेटिव? ओके, आई सपोज नहीं पता, मैं सिंपल सा इसी एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहां पे 10 से लेके 20 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2। अगर मैं यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल लिखूं तो टेक्निकली फर्स्ट का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, नेक्स्ट का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 हो गया। मतलब क्या करना है, जिस नंबर का या जिस फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो उसके पहले के सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लो। नेक्स्ट इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 5 + 8 दैट बिकम्स 13। इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 + 14 दैट बिकम्स 27 एंड सो ऑन। अल्टीमेटली पता है क्या होगा, अल्टीमेटली जब आप सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर लोगे 35, 38 और 40, तो लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिनोट करती है। ठीक है, क्योंकि आप सबको ऐड कर लोगे कहीं ना कहीं, तो आपका एन का वैल्यू मिल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, वो डिनोट होता है लास्ट आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो ये आपको मिल जाएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझा। सो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा मीडियन निकालने के लिए इस केस में, कि आप जो भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में अरेंज करो, मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। सपोज करो कि आपको टेबल में ऐसे एक्स आई दिया था, एफ आई दिया था, तो आप यहाँ पे एक नया चार्ट बनाओगे दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको नोट कर लोगे। जैसे ही आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, देन अरेंज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद देन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको भी आपको सेम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ जैसे आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, सो अब जो आपका मीडियन है, ये तीन पार्ट को आपने इसको निकाल लिया, अब जो आपका मीडियन है वो डायरेक्टली आपको मिलता है, मीडियन इज नथिंग बट एन बाय टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन। ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये बेसिकली आपको बताएगा मीडियन। ठीक है, आप बोलोगे सर एन क्या है, तो एन इज नथिंग बट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको बताया ना लास्ट पार्ट जो रहेगा अपने पास वो एन रहेगा बेसिकली आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो मीडियन है वो सिंपल से अपना क्या बनेगा, एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन। सपोज अगर मैं जो मैंने क्वेश्चन किया था उसकी बात करूं, सो एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आया था अपने पास, यहाँ पे एन का वैल्यू आया था बेसिकली 40। 40 प्लस वन बाई टू कितना हो गया, या 40 बाई टू प्लस वन कितना हो गया बेसिकली,
ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि सर 21 आया तो हम कौन सा मीडियन लिखेंगे। सो बेटा ये मीडियन का एक ऐसा सीजन है कि अपने पास मीडियन इनके बीच में भी आ सकता है, तो इस जो फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा है इस कंटिन्यूस पार्ट को स्किप करना, ठीक है। मैं सिर्फ इतने नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो आपके पास मीडियन आया है वो 21 ही है, ठीक है। 21 जो आपके पास आया है वही बेसिकली इसके मीडियन को डिनोट करेगा कहीं ना कहीं। तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। यहाँ पे दो फॉर्मूले नहीं है इस केस में, सिंपल फॉर्मूला पॉइंट में भी आ सकता है और डायरेक्टली भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। नाउ अगेन जो कॉम्प्लिकेशन मीन निकालते हुए कंटिन्यूस वाले पार्ट में थे वही कॉम्प्लिकेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो इसको भी समझना। अगेन फॉर्मूला भी था बेटा, बोलो सर। अगर डिस्क्रीट में कंटिन्यूस होना जरूरी है? नहीं, डिस्क्रीट में कंटिन्यूस जरूरी नहीं है। मैंने आपको इसलिए बोला ना कि यहाँ पे इसको मैंने जो एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल में आप ये फर्स्ट वाले पार्ट को इग्नोर कर देना बेटा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था। मैं सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी को कंसिडर कर रहा था आपको ये बताने के लिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बट कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, वो रैंडम भी हो सकता है आपके पास। जैसे ये रैंडम ही हुआ ना आपके पास, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करूँ तो, सो कंटिन्यूस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंटिन्यूस का पार्ट मैं अभी डील कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस में आप आंसर कैसे निकालते हो और वहाँ पे फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। सो कंटिन्यूस में अपने पास मीडियन का अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो अपने पास है विच इज एल प्लस एन बाई टू माइनस ऑफ सी दी होल अपॉन एफ इंटू आई। अब बहुत सारे टर्म्स है, पहले हर एक टर्म के मीनिंग लिखता हूँ अगेन, फिर एग्जाम्पल से इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको आपको यूज करना है और कैसे सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। सो इस केस में अपने पास L जो है वो क्या डिनोट करता है, L डिनोट करता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो रेंज होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो जो उसका लोअर लिमिट है, लाइक सपोज रेंज आया अपने पास 20 टू 30, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 20, तो L डिनोट करेगा आपके पास लोअर लिमिट। F जो स्मॉल f है बेसिकली दैट विल डिनोट द फ्रीक्वेंसी। इट वॉज अंडरस्टूड कि f तो अपने पास हमेशा फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट करता है, बट ये किसका होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अगेन मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास का भी आ जाएगा, डोंट वरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। नेक्स्ट आपके पास जो हमने लिखा है दैट इज n, n मतलब हमेशा स्टैंडर्ड है, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको मैं, दैट इज नथिंग बट समेशन एफ आई, जो आप क्यूमुलेटिव का लास्ट भी बोलते थे, दैट इज समेशन एफ आई। आई आई जो है ये जनरली हाइट या विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, लेट अस से 10 टू 20 हुआ या 20 टू 30 हुआ, तो उसका जो विड्थ होता है बेसिकली, लाइक इन दिस केस 10, तो उसका विड्थ को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सी जो मैंने कैपिटल सी लिखा हुआ है, दिस कैपिटल सी इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास मतलब जो मीडियन क्लास रहेगा उसके जस्ट पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम सी से नोट करते हैं। नाउ अब इस पूरे पार्ट में एक डाउट होता है कि सर बाकी सब कुछ तो ठीक है, ये व्हाट इज मीडियन क्लास, कोई बताएगा मुझे सोच के व्हाट इज मीडियन क्लास क्या हो सकता है? Anyone? So, इसको रिकॉल करने का सिंपल तरीका है, याद करो कि जब हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाला था तो मीन के लिए हमने ए अज्यूम किया था, जिसको हमने बोला था अज्यूम्ड मीन। उस अज्यूम मीन को हमने कैसे लिया था, एवरेज निकाल के लिया था। उसी तरीके से मीडियन निकालने के लिए भी हमको एक क्लास को अज्यूम करना होता है ना। व्हाट इज क्लास, तो जैसे आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो उसमें से कोई भी एक बीच वाले क्लास को आप मीडियन क्लास अज्यूम कर लोगे। अगेन मैं आपको इसको एग्जांपल से प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझना, फिर हम इसका एक चलो एग्जांपल देख ही लेते हैं, फिर बाद में बाकी का इसका पार्ट डिस्कस कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ राइट अवे, इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसके थ्रू इसका जो भी पार्ट है उसको समझने का ट्राई करते हैं। यस, दिस विल बी दी परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस केस। तो इस केस में अपने को बोला गया है फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। नाउ मीडियन निकालने को बोला है, अब यहाँ पे
सब कुछ जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन तब आएगा जब हम लोग कहीं ना कहीं इसमें से पहले मीडियन क्लास को डिसाइड कर ले। मीडियन क्लास कैसा होता है वो अजम्पशन पर डिपेंड है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बट टेक्निकल लॉजिक है इसकी हमेशा बीच का क्लास अज्यूम करो। टोटल आपको 7 क्लासेस दिख रही होंगी, 10 to 21 है, फिर ये सेकंड है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को आप बोल दोगे बेसिकली मीडियन क्लास। ये सबको समझा मैंने कैसे बोला? ठीक है, जनरली फर्क नहीं पड़ता, आप दूसरा भी लोगो तो आपका अल्टीमेटली आंसर सेम ही आ जाएगा, बिकॉज वैल्यूज खुद को अरेंज कर लेंगे। आप बोलोगे सर आपने सिंपल एग्जांपल लिया 7 वाला केस लिया, आपको बीच और 10 मीडियन मिल गया, सपोज करो क्लासेस 8 हुई तो कौन सा लोगे? तो बेटा फोर्थ या फिफ्थ कुछ भी ले लेना, फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी। नाउ अब जैसा मैंने बताया था कि मीडियम निकालने के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है, तो पहले मुझे बता दो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लिखूं। फर्स्ट के लिए तो 4 हो जाएगा, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? 10, फिर 20, 20, then 40, 40, then 50, 50, then 56 and 60, and 60. ठीक है, अब इस वैल्यू पे आते हैं। अब आप मुझे वैल्यूज बहुत इजीली बता सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनकी बात। सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा बताओ ना। हाँ बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है सिंपल सा, जब भी आप किसी क्लास के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो तो वहां तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी हुई है सबका सम। जैसे मैं इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ तो 6 + 4 ये हो गया 10। इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है तो यहाँ तक की सबका सम 4 + 6 + 10 मतलब ये कितना हो गया 20। यहाँ तक का लिखना है तो इन सबका सम मतलब वो फ्रीक्वेंसी और उसके पहले आने वाले सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, दैट विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी ठीक है? Yes, yes, हाँ। नाउ अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल चुका है, अगेन बैक टू दी फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आता हूँ एल, मुझे बताओ एल का मतलब क्या था? लिखा था ना, यस, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। मुझे बताओ व्हाट इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास? 40। ओके, ये हो गया अपने पास एल। नेक्स्ट इज अपने पास एन बाई टू, मतलब बेसिकली एन, पहले मुझे एन चाहिए था तो एन का मतलब क्या था? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब इस केस में कितना हो गया? ठीक है, नेक्स्ट मुझे चाहिए था एफ, That is frequency. ये frequency किसकी होती थी? 20. Yes, median class की frequency, that is 20. Next अपने पास था capital C. Now capital C क्या था? 40. Capital C is cumulative frequency of class preceding median class. यहाँ पे careful रहना, ये 20 होगा. इसके पहले के जितने भी आपके पास frequency आए हैं उनका cumulative sum, that is equal to 20. तो C का value हो गया अपने पास 20. And the last one, which is I. ठीक है, I मतलब क्या होता था basically? आपके पास इनका गैप, इनका रेंज बेसिकली, इनका वेट। तो इनका वेट कितना दिख रहा है आपने को? 10। तो ये हो गया इनका वेट। ठीक है, ये सबको क्लियर है वैल्यूज? यस सर। नाउ अब अगर वैल्यू आ गए तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, क्विकली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मीडियन का जो फॉर्मूला था, आई रिपीट दिस सेम फॉर्मूला, इट इज एल प्लस एन बाय टू, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी the whole upon f multiplied by i. now value put कर देते हैं, so l हो गया अपने पास 40 plus n by 2 that is 30 minus of c that is 20 the whole upon corresponding का frequency that is 20 multiplied by 10. अब इसको देखो value कितना आ रहा है, तो it is coming out to be 30 minus 10 is 10, 10 into 10 is 100, 100 by 20 is 5, so 40 plus 5 it is coming out to be आपके पास 45. एक बार check कर लो। ठीक है, सो बेसिकली अगेन आपको मैंने इसलिए स्टार्टिंग में क्या बोला कि प्योर फॉर्मूला बेस से, कोई लॉजिक यूज नहीं होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। अगेन यहाँ भी आपको समझा होगा कि अगर मीडियम का क्वेश्चन आएगा तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि मीडियम का क्वेश्चन बेसिकली आपके पास इस कंटिन्यूस वाले डेटा पे आए, बिकॉज इट हैज द मोस्ट टिपिकल मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, और यही पार्ट पूछना सेंस भी बनता है बिकॉज कहने की क्वेश्चन का वेटेज हो जाता है अपने पास। ठीक है, सो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीडियम कैसे निकालना है ये सबको समझा। चलो अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से इनको सॉल्व कर लेना क्विकली। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दिस वन, आपको क्रैक भी खुद करना है कि ये कौन से पार्ट को बिलोंग करता है, उसके बाद मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ट्राई दिस क्वेश्चन, इट सेज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन आर दिस दिस दिस, व्हाट इज द मीडियन मार्क?
सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर. ये कौन से पार्ट को बिलोंग करेगा, रॉ डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस? सर ये तो रॉ हो गया ना. यस ये रॉ हो गया एक्चुअली, बिकॉज कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, और अगर रिपीट हो भी रही होगी तो एक आध बार ही हो रही होगी. वैसे यहाँ पे शायद रिपीट नहीं हो रहा है. तो सॉल्व करो, आपको लॉजिक बताया था मैंने. क्या करोगे सबसे पहले? सर सबको ऐड कर देंगे. नहीं बेटा एडिंग करते असेंडिंग ऑर्डर करना. यस पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, फिर काउंट करोगे कितने वैल्यू है, फिर ऑड इवन पे डिसाइड करोगे कि मीडियन कौन सा वाला रहेगा. सॉल्व करो और मुझे बताओ मीडियन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. ओके चलो क्विकली मुझे बताना. सपोज करो इसको मैं ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ. सो सबसे पहले मेरे पास सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको? 11. 11 ठीक है, 11 इज डन. नेक्स्ट बताओ. 12. यस 12 इज देयर. नेक्स्ट 14. 14. 14 इज देयर. 18. 18 इज देयर. यस 22. 22. 26. 26. 30. 30. Next. 32. 32. 35 and 41. 35 and 41. ठीक है, ऑर्डर तो बराबर है. नेक्स्ट इज यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? सो आई सपोज 10. 10. यस 10 है. 10. अब n अपने पास इवन आ गया. हमने पढ़ा है कि इवन के लिए अपने पास दो आंसर आते हैं हमेशा. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज बी केयरफुल. इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को भी लिया है. यहाँ पे जो आपके पास मीडियम रहेगा, that median will be 1 by 2 times of n by 2th observation, ek to ye wala observation, plus n by 2 plus 1th observation, theek hai. In dono observation ka jab average loge to aapko milega median. Ab aap khud batao mujhe n by 2th matlab kaun sa ho gaya, fifth observation ka value kya hai? 22 plus next aapke paas n by 2 plus 1th observation, next 26. तो यहाँ पे आपको मीडियन मिलेगा. मीडियन विल बी इक्वल टू 22 प्लस 26 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 24.
सिंपल चीज ध्यान रखो, इट इज नॉट नेसेसरी कि मीडियन हमेशा गिवन सेट में से आए, उनके बीच में भी मीडियन हो सकता है, बिकॉज मीडियन का सिंपल सा कहना है कि वो ऑब्जर्वेशन जिसके लेफ्ट और राइट का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है. आप खुद देखो 24 के लेफ्ट में आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन आए, 5 और 24 के राइट में भी 5 हो गया मीडियन. yes, ठीक है, ये ध्यान रखो. इस तरीके से हमने इसको रिजॉल्व किया बेसिकली. सो कंफ्यूजन जो था वो मोस्टली क्या होता है कि आप इसका आंसर लिख देते हो 5.5 n by 2 plus n by 2 plus 1. तो बेटा n by 2 वैल्यू नहीं है, n by 2 ऑब्जर्वेशन है बेसिकली वो. तो आपको देखना था कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है और सिक्स ऑब्जर्वेशन क्या है और उनका एवरेज लेना है बेसिकली. सो रॉ डेटा का मीडियन कैसे निकालना है, सबको क्लियर हुआ? यस सर. ओके चलो, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीजें होती हैं. फर्स्ट हमने डिस्कस किया मीन, सेकेंड डिस्कस किया मीडियन, थर्ड इज मोड. ठीक है, ये पार्ट आपने शायद नहीं ही सुना होगा और ये हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, एग्जाम में बहुत कम आता है, बट इसमें इसका एक फॉर्मूला है जो हमको डिस्कस करना है. किसी को आइडिया है व्हाट इज मोड, कहीं सुना है इसके पहले? ठीक है, मोड इज बेसिकली नथिंग बट द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है बट एक चीज बहुत बार रिपीट हो रही है बेसिकली, और वो इतनी ज्यादा रिपीट हो गई कि उसने बाकी ऑब्जर्वेशन को बेसिकली अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि उसी चीज को हम मोड बोलते हैं. नाउ जो मोड है वो फर्स्ट केस में तो डिफाइन होगा ही नहीं, रॉ के केस में. क्यों? बिकॉज रॉ डेटा जो है उसमें तो सब कुछ अलग अलग होता है, तो वहां तो कुछ रिपीट होने का स्कोप ही नहीं है, इसलिए वहां पे मोड डिफाइन नहीं होता. सेकेंड केस जो है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी आती है, तो आप सिंपल सा बोल दोगे जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वही मोड बन जाएगा. करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल हाँ, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि मोड मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आता है. तो अगर मैं एक सिंपल सा केस देखूं, लेट अस से ये वाला केस, अगेन अज्यूम इट टू बी डिस्क्रीट, कंटिन्यूस पर पाना इसको, इस लिमिट को भूल जाओ. सपोज करो कि आपके पास खाली यही वैल्यू दे रखे, ठीक है, कि ये फ्रीक्वेंसीज है, तो इन फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है? 20. तो इसके करस्पॉन्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन होगा नॉट इन कंटिन्यूस बट इन डिस्क्रीट, वही अपना क्या हो जाएगा? मोड बन जाएगा. तो इसलिए मोड का केस आपके पास रॉ में और डिस्क्रीट में नहीं चलता, मोड का केस सिर्फ चलता है अपने पास कंटिन्यूस सीरीज में, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसी को हम पढ़ेंगे एज पर दी फॉर्मूला. सो अगर आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रहा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस केस में अपने पास जो मोड का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं. द फॉर्मूला इज मोड इक्वल्स टू एल वन प्लस ब्रैकेट एफ वन माइनस एफ जीरो द होल अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस ऑफ एफ जीरो प्लस एफ टू मल्टीप्लाइड बाय आई. नाउ इनके मीनिंग पे आ जाते हैं कि ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं बेसिकली. अभी ऑब्वियसली कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ ना कुछ तो अलग लेके आता है फॉर्मूले में, तो ये वही सब चीजें हैं. एल वन, एल वन इज नथिंग बट द लोअर लिमिट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. वहां पे मीडियन क्लास था, इसको हम बोलते हैं बेसिकली मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. नेक्स्ट आपके पास एफ वन, एफ वन इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. नेक्स्ट अपने पास एफ जीरो, एफ जीरो जो है अपने पास दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. नेक्स्ट इज एफ टू, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी. एंड ऑब्वियसली आई तो हमने बताया था, इट इज विड्थ ऑफ इंटरवल. देखो लॉजिकल है, F1 आपके पास जो है वो जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो F0 उसके पहले वाली की फ्रीक्वेंसी, F2 उसके बाद वाली की फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्या होता है सिंपल सा, इस केस में मॉडल क्लास को डिफाइन करना होता है. जैसे हमने मीडियन क्लास को डिफाइन किया कि बीच का वाला वैल्यू जो अपने पास एक मीडियन हो सकता था उसको अज्यूम कर लेते हैं, उसी सेम वे में हम मॉडल क्लास को भी डिफाइन करेंगे कि आपके पास जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी क्लास को हम क्या बोल देंगे, हमेशा मॉडल क्लास.
इसका एग्जांपल में सेम क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इसको हम सॉल्व करके इसका मोड निकालने का ट्राई करते हैं. आई टेक द सेम केस जस्ट अ सेकंड. हाँ ये रहा, इसका भी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, मीडियन फाइंड आउट किया था. अब मैं इसी का आपको मोड फाइंड आउट करके दिखाता हूँ कि इसका मोड क्या होगा. हाँ इन दिस केस यहाँ पे मीडियन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं. लेट्स से अपने से बोला है फाइंड दी मोड. ठीक है, अब मुझे वैल्यूज को डिफाइन करो. सबसे पहले अपना वैल्यू था L1, मुझे बताओ L1 का वैल्यू क्या होगा. अच्छा सबसे पहले मीडियल मॉडल क्लास की बात कर लेते हैं, इसका मॉडल क्लास क्या रहेगा. 40 to 50. यस 40 to 50 क्यों बोला, उसका रीजन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. हाँ अगर किसी की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, फॉर एग्जांपल दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गए तो आप किसी को भी मॉडल क्लास दे सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये अपने पास हुआ बेसिकली मॉडल क्लास. नाउ अब मुझे बताओ L1 का मतलब कितना हो गया, L1 का वैल्यू कितना होगा. 40. यस नेक्स्ट इज F1. F1 मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट इज F0, मॉडल क्लास के पहले वाले का फ्रीक्वेंसी 10. नेक्स्ट इज F2, मॉडल क्लास के बाद वाले का फ्रीक्वेंसी, दैट इज अगेन 10. नेक्स्ट आपके पास I, मतलब इसका width, that is equal to 10. ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे. सो अपने को जो वैल्यू दिया था उस वैल्यू वाइज अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपके पास जो वैल्यू आएगा वो एक अलग वैल्यू बनेगा. और थोड़ा सा ये वैल्यू समझने का ट्राई करना, इट विल बी L1 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस ऑफ F0 अपॉन twice F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I. अब पता है यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, ये थोड़ा सा स्पेशल केस आ गया, मुझे क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा. वैसे इसके बताए अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो जरा सर. एक्चुअली प्लस F2 आता था ना. अरे हाँ सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुको, मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है सर, प्लस F2 अपने फॉर्मूला में. नहीं नहीं फॉर्मूला में चेंज आएगा. हाँ हाँ सब्ट्रैक्ट करो उसको, इट शुड बी माइनस F2. सिमेट्रिक वर्क करता है, दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं उसमें से, तो इट शुड बी माइनस ऑफ F2. ठीक है, उसको चेंज कर लेना, करेक्शन कर लेना, दोनों नेगेटिव होंगे अपने पास. नाउ अब यहाँ पे वैल्यू को समझने का ट्राई करते हैं. पहले L को पुट किया तो L अपने पास हो गया 40, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा F1 माइनस F0. F1 इज 20 माइनस ऑफ F0 अपने पास, दैट विल बी इक्वल्स टू F1 इज 20, F0 इज 10, तो ये अपने पास 10 हो जाएगा. द होल अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 दैट बिकम्स 40 माइनस F0 दैट इज 10 माइनस ऑफ F2 दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय I दैट इज ऑल्सो 10. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40 प्लस ये कितना हो गया 10 अपॉन 20 इंटू 10, तो ये बेसिकली 5 आएगा. अगेन इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, 45. ठीक है, अब ये 45 जो मैंने निकाला है ये क्या डिनोट कर रहा है, तो अगेन ये 45 डिनोट कर रहा है कि इसके लेफ्ट में और इसके राइट में आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली सेम है. एक्चुअली ये जो केस हमने लिया है ना, इट इज द मोस्ट सिमेट्रिक केस. आप खुद ऑब्जर्व करो, लेफ्ट में 10 राइट में 10, फिर लेफ्ट में 6 राइट में 6, फिर लेफ्ट में 4 राइट में 4. तो टेक्निकली जो मीडियन है वो या मोड है वो एग्जैक्टली इसका बीच का पॉइंट आना था. हाँ सर. यस दैट इज द रीजन कि इस केस में मेन मीडियन मोड तीनों कोइंसाइड कर जाएंगे, तीनों का वैल्यू आपको सेम मिलेगा 45 45 45, बिकॉज द रीजन इज कि दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल आपके पास वैल्यू जहां पे सभी वैल्यूज आपको कोइंसाइड कर रही है. द रीजन इज प्रीटी मच सिंपल, क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज मोस्ट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक होने की वजह से आपको ये आंसर मिल रहा है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड.
सो इन दिस वे हम लोग मोड को डिराइव कर लेते हैं. नाउ अब यहाँ पे एक रिलेशन है जो रिलेशन वैसे तो बहुत रेयरली यूज में आता है बट याद रखोगे तो बेटर रहेगा बिकॉज कुछ कुछ एग्जाम्स में इसको यूज कर लेते हैं. सो इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन. मीन मोड और मीडियन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है. दैट रिलेशन इज आपके पास मोड इज इक्वल्स टू 3 times of median माइनस 2 times of mean. जो मोड है उसको हम लिखते हैं 3 times of median माइनस ऑफ 2 times of mean. इसको ध्यान रखना. कुछ कुछ केस में क्या होता है ना कि क्वेश्चन में आपको वो मीन और मीडियन या कोई भी दो वैल्यू दे देगा और थर्ड वैल्यू पूछ लेगा तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमको ये नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली ये वे फॉर्मूला आपके पास अप्लाइड रहेगा कि हमेशा आप यूज कर सकते हो मोड इज इक्वल टू 3 times of median माइनस 2 times of mean. इसी में कुछ टर्म्स अलग भी आते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. एक आपको ऐसा बोलता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली skewed है. Positively skewed, इस वर्ड को ध्यान रखना. ऑप्शंस में आपको मिलेंगे अगर आप स्टैट्स के क्वेश्चन देखोगे पीछे तो आपको दिखेगा जब आपके ऑप्शन में लिखा होता है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली skewed या दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली skewed. सिंपल सा लॉजिक है. अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली skewed है तो उसको चेक करने का तरीका होता है कि अगर उसका मीन इज ग्रेटर देन इट्स मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड. अगर आपके पास इस तरीके से डेटा चल रहा है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन उसके मीडियन से बड़ा है और मीडियन उसके मोड से बड़ा है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड. एंड सिमिलरली नेगेटिवली स्क्यूड में जस्ट साइन उल्टा हो जाएगा. इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड. इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं पास में आ चुके हैं आगे भी डिफरेंटली रहेंगे बिकॉज बच्चे जनरली ये टर्म को मिस कर देते हैं. तो प्लीज बी केयरफुल बिकॉज दिस इज वन रिलेशन जो मीन मीडियन मोड तीनों को यूज कर लेता है. तो अगर किसी डेटा का मीन मीडियन से कम हो गया और मीडियन मोड से कम हो गया तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड. तो ध्यान रखना मीन मीडियन मोड का जो कंपैरिजन है वहां से आपको किसी भी डेटा का स्क्यूनेस मिलता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड है वो डिपेंड करता है आपके पास बेसिकली इन वैल्यूज के ऊपर कि मीन मीडियन मोड का क्या ऑर्डर फॉलो होगा. उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड कि आपके पास जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी या फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी. ठीक है चलो अब तक जो हमने पार्ट डिस्कस किया वो पार्ट हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. किसी भी डेटा के सेंट्रल वैल्यू के अबाउट आप चीजें क्या क्या डिस्कस करते हो तो वो हम डिस्कस करते थे बेसिकली अपने पास मीन मीडियन एंड मोड. नाउ अब इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा बेसिकली. इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ दिस इज पॉइंट नंबर 2 चैप्टर का ही सेकेंड पार्ट. मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन. मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट केस में क्या किया कि सेंट्रल वैल्यू के अबाउट कमेंट किया कि मीन क्या इंफॉर्मेशन देता है मीडियन क्या इंफॉर्मेशन देता है. उसी तरीके से अब हम बात करेंगे डिविएशन की कि डिविएशन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ आउटपुट को कुछ डेटा को चेंज किया तो उस डेटा को चेंज करने पर क्या क्या इम्पैक्ट होंगे यहाँ पे वो चीजें डिस्कस की जाएंगी. पहले हमने सिर्फ डेटा को एनालाइज किया है अब हम डेटा को चेंज कर रहे हैं और अपने चीजों पे कमेंट कर रहे हैं. जब हम बात करेंगे कि डिस्पर्जन या फिर डिविएशन के वेज क्या क्या होते हैं तो जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में 3 वेज है मीन मीडियन एंड मोड. यहाँ पे आपके पास 4 वेज होते हैं. वो 4 वेज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें से फर्स्ट है अपने पास रेंज. फर्स्ट इसको हम बोलते हैं रेंज. सेकेंड होता है अपने पास मीन डिविएशन. मीन डिविएशन. थर्ड अपने पास रहता है वेरिएंस. एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड डिविएशन. इनमें से कुछ टर्म तो हमने अभी यूज किए थे रिसेंटली याद है कि नहीं है सुने कहीं मीन वेरिएंस. हाँ मीन वेरिएंस इन लोगों को इनको भी हमने यूज किया था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में. याद करो एनपी और एनपीक्यू याद है मीन और वेरिएंस फॉर्मूला लिखा था मैंने सबसे लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के.
हाँ, n इंटू पी होता है अपने पास मीन, और n इंटू पी इंटू क्यू होता है अपने पास वेरियंस। तो जब डेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होता है तो वो फॉर्मूले यूज करते हैं, बट अगर नॉर्मल डेटा हो, जैसे क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा आता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डेटा, तो फिर आपको ये सारे फॉर्मूले यूज करना रहेंगे जो मैं अभी बताऊंगा आपको बेसिकली। नाउ सबसे पहले आते हैं रेंज। नाम से क्या लगता है रेंज क्या होगा बेसिकली, बोलो, आपने पढ़ा था ऑलरेडी? और अगर डेटा के लेके बात करोगे तो डेटा को लेकर सिंपल सा लॉजिक कि आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस। रेंज इज समथिंग ना जो कभी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, बट इसलिए हम इसको पढ़ा देते हैं, बिकॉज इसमें एक टर्म आता है, उस टर्म को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज एक बार क्वेश्चन में इसको यूज कर लिया था, तब से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब हो जाता है L माइनस S अपॉन L प्लस S। नाउ L और S का मतलब क्या होगा, बोलो? लोअर। चलो ठीक है, L अगर लोअर तो S क्या हो गया, फिर तो हायर होना चाहिए था ना। तो एक्चुअली जो आपने बोला वो लॉजिकली थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया। L इज लार्जेस्ट and S is larger minus shorter. हाँ, largest minus smallest basically. So आपको रेंज का मतलब सिंपल सा हो गया कि आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसमें लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करो एंड उसमें स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को देखो। लार्जेस्ट को एल बोलो, स्मॉलेस्ट को एस बोलो, तो उन दोनों का डिफरेंस अपॉन उन दोनों का सम, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दैट्स इट, इसके अलावा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर रेंज का कोई लॉजिक रहा तो खाली एक ही फॉर्मूला बन सकता है, इसके अलावा रेंज का कोई आपके पास यू कैन से कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। बट यस, इसका जो सेकंड टर्म है दैट इज मीन डेविएशन, उसका काफी आपके पास इंपॉर्टेंस है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे क्विकली। मीन डेविएशन, ठीक है। नाउ एग्जैक्टली मीन डेविएशन का मतलब क्या होगा, या फिर आपको नाम से क्या लग रहा है, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ मीन डेविएशन? सर मीन की भी सर्टेनली रेंज के आसपास है आंसर में। यस, वेरी गुड। मीन जो हम बोलते हैं एवरेज, उसका मतलब ये होता है ना कि जितने ऑब्जर्वेशन थे उनका एवरेज आ क्या रहा है, बट ऑब्वियसली कि सारे ऑब्जर्वेशन का वैल्यू सेम नहीं आ रहा, हर एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। कुछ ऑब्जर्वेशन मीन से कम आ रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन मीन से ज्यादा आ रहे हैं। तो बेसिकली हमको ये देखना होता है कि अपने ऑब्जर्वेशन कितने डिविएट हो रहे हैं, वो डिविएशन का परसेंटेज क्या है, वो डिविएशन का अमाउंट क्या है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं मीन डिविएशन। नाउ इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि मीन डिविएशन जब हम निकालेंगे तो हमको मीन निकालना पड़ेगा, बिकॉज हम मीन से डिविएशन निकाल रहे हैं, और मीन निकालने के अपने पास अलग अलग टेक्निक थे फॉर डिफरेंट डिफरेंट डेटा। तो उस तरीके से मैं यहाँ भी लॉजिक यूज करूंगा। सबसे पहला केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा मीन डिविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, मीन डिविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा या फिर रॉ सीरीज, मीन डिविएशन फॉर रॉ डेटा, इसका मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा मीन डिविएशन का आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो रहेगा मीन डिविएशन इक्वल्स टू समेशन ऑफ, यहाँ पे मॉड यूज होता है, मॉड्यूलस एक्स आई माइनस ऑफ एम द होल डिवाइडेड बाय एन। नाउ अब इनके मीनिंग्स क्या होंगे, आई सपोज ये आप लोग भी बता सकते हो। एक्स आई का मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एम किसको डिनोट कर रहा होगा, मीन, यस, वेरी गुड। इसीलिए क्या होता है ना कि कुछ कुछ बुक में ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमको पता है एक्स बार का मतलब मीन होता है एंड एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या मैं इसको ऐसा बोलू दिस इज नथिंग बट मीन ऑफ ऑल द डिविएशन, मीन ऑफ ऑल द डिविएशन। एक्स आई माइनस एक्स बार आपको दिखा देगा कितना डिविएट हुआ, जब सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, जितने डिविएशन थे सबका मीन, उसी को तो हमने बोला मीन डिविएशन। नाम से ही क्लियर होता है कि मीन डिविएशन इज नथिंग बट एवरेज और मीन ऑफ ऑल द डिविएशन, उसी को हम बोलते हैं मीन डिविएशन, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज क्लियर है कि फॉर्मूला छोटा सा है बट इस फॉर्मूले के पीछे जो लॉजिक है वो मीन का है। पहले आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास मीन डिविएशन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, मीन डिविएशन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज।
अब देखो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है ना कि डिविएशन टफ नहीं होते, क्योंकि मीन ऑलरेडी टफ था, तो आप एक चीज सॉल्व करोगे फिर आपको सेकेंड चीज जो है वो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगी, मीन डिविएशन फॉर कंटिन्यूस सीरीज। इस केस में आपका जो फॉर्मूला है अगेन डायरेक्टली वर्क करेगा, बट उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहले मीन निकालने का टेक्निक तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, अज्यूम मीन मेथड, तो वही लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये वाला पार्ट रिलेटिवली आसान होता है। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई सॉरी एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल अपॉन एन। ठीक है, अंडरस्टूड ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रॉ डेटा में क्या होता है कि हर एक डेटा एक एक बार आता है, कंटिन्यूस में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी आती है, डेटा रिपीट होते हैं, तो अब मैंने एक सिंपल सा काम किया कि जो फ्रीक्वेंसी था उससे अपने डिविएशन को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड हर जगह मॉडुलस लिया है बिकॉज डिविएशन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, डिविएशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो आप जितने भी डिविएशन है सबको ऐड कर लोगे तो अल्टीमेटली आपको इसका मीन जो है वो मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू मीन डिविएशन। नाउ अगेन इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। नाउ लेट अस से सिंपल केस ही ले रहा हूँ स्टार्टिंग में, आपसे बोला है कि आपको इस सीरीज का क्वेश्चन के फॉर्म में दे देते हैं, चलो the scores of a batsman in 10 innings are this, find the mean deviation about median। हाँ ये थोड़ा सा अलग हो गया, अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, मीडियन निकालेंगे। हाँ पहले मीडियन, अब मुझे बताओ कि रॉ डेटा का मीडियन कैसे निकालते थे, बोलो। पहले सबको अरेंज कर लेंगे ना, पहले अरेंज कर लेंगे। सबसे छोटा कौन दिख रहा है यहाँ पे, 34 के बाद नेक्स्ट 38, नेक्स्ट बताओ 42, नेक्स्ट बोलो 54, पहले आएगा 54 एंड देन 55, 73 एंड देन 76। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बताओ सर, 70 सर, 10 अच्छा ये 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 10 बराबर। अब अगर n आपके पास 10 है तो मुझे बता दो मीडियन का वैल्यू कितना आएगा, n by 2th observation, मतलब एक तो 5th observation, मतलब कितना हो गया 47, ये तो आपने निकाल लिया मीडियन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड डिविएशन अबाउट मीडियन, तो एक बहुत सिंपल सा काम करो, सबसे पहले क्या कर लोगे कि आप यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लो ताकि आपको सॉल्व करना इजी हो जाए, एक आपने लिखा एक्स आई, एक आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम। ठीक है, नाउ जब एक्स आई आपके पास 38 है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो एक्स आई माइनस एम कितना आ गया, 9 हो गया। हाँ सर, नेक्स्ट इज 70, इस केस में कितना आ जाएगा 23। नेक्स्ट आपके पास 48, पहले मैं इन सबको नोट कर लेता हूँ फिर मुझे क्विकली बता देना, क्योंकि अब अपने को आंसर खाली कैलकुलेशन ही करना है। 48, 34, 42, नेक्स्ट इज 55, नेक्स्ट इज 63, नेक्स्ट इज 46, नेक्स्ट इज 54 एंड नेक्स्ट इज 44। ठीक है, नाउ 70 माइनस 47 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 13, नेक्स्ट अपने पास दिस माइनस दिस 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यस यहाँ पे 1, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 3। ठीक है, अब अल्टीमेटली हमको करना क्या था, जितना भी डिविएशन आया है उन सब डिविएशन का सम करना था, तो इन सब डिविएशन का सम कर लेते हैं। हम निकाल रहे हैं डिविएशन अबाउट मीडियन, ये मीन डिविएशन नहीं है, ये है डिविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, डिविएशन अबाउट मीडियन, तो ये अपने पास बनेगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम दी होल अपॉन एम, इन सबका सम कर लेते हैं, 23 प्लस 9 32, हाँ इन सबका एडिशन, so 32 plus 1 33 33 plus 13 becomes 46 plus 5 51 plus 8 59 plus 16 that becomes 60 75 plus 1 75 76 86
ठीक है, इसका सबका सम आ गया आपके पास 86, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन 86, अकाउंट में क्या लिखूं सर 10, तो आपका अल्टीमेटली आंसर मिला, इट इज कमिंग आउट टू बी 8.6। सो इस क्वेश्चन के लिए डिविएशन अबाउट मीडियन जो है वो अपने पास रहेगा बेसिकली 8.6। समझे सॉल्व कैसे किया? हाँ बेटा बोलना। देखो डिविएशन अबाउट मीन बोलता तो हम मीन को निकाल के उसको सब सबट्रैक्ट करते, डिविएशन अबाउट मीडियन बोला तो हमने मीडियन निकाल के उसको सबट्रैक्ट किया और लॉजिक यूज किया। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि डिविएशन किसके अबाउट मांग रहा है और कुछ भी नहीं है। अब इसी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मैं आपसे बोल दूंगा कंटिन्यूस सीरीज का डिविएशन निकालो, ठीक है? तो क्वेश्चन को पढ़ना एंड इसको केयरफुली सॉल्व करना। अगेन इजी है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है। मुझे ओरली खाली लॉजिक बता देना कैसे स्टार्ट करोगे और क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी एक्सप्लेन कर दो। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है? तो कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये? सर ये कंटिन्यूस वाला हो गया। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के लिए मीडियन कैसे निकालते थे? सर पहले तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। वेरी गुड, सबसे पहले क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे वो आसान है, वो मैं कर देता हूँ। 5, नेक्स्ट क्या होगा सर? 11, 11, फिर 23, फिर 37, ठीक है 37, नेक्स्ट 63, फिर 75, फिर 91 और फिर 100। बराबर है, सबको समझा कैसे लिखा? यस सर। नाउ अब मुझे याद दिलाओ मीडियन का फॉर्मूला क्या था? n by 2 नहीं, l plus n by 2 n by 2 minus c the whole upon f into i। ये जो हम लिखते थे ये किसके होते थे? मीडियन क्लास के। यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सा लोगे? सर 26 वाला ले लेते हैं। नहीं बेटा 26 तो बहुत छोटा हो गया। 1 2 3 4 5 6 8, टोटल आपके पास 8 है बेसिकली। 8 है तो या तो आप ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, जो भी आपको लगता है। लेट अस से सपोज मैंने इसको सॉल्व कर लिया मीडियन क्लास लेके, मैंने इसको अज्यूम किया मीडियन क्लास, ठीक है? अब मुझे बताओ अगर इसको मैंने मीडियन क्लास बोला है तो एल का वैल्यू कितना हो गया? 36, ठीक है? एल का वैल्यू हो गया 36। एन बाई टू, एन बाई टू का वैल्यू कितना होगा? 50. C का वैल्यू कितना होगा? 37, yes, cumulative frequency यहाँ तक की। F का वैल्यू कितना होगा? 26, और I का वैल्यू? 4, yes, चलो जल्दी सॉल्व कर लो अभी और आंसर बताओ। I का वैल्यू 4 होगा या 5 होगा? सर 5 होना चाहिए ना? Yes, 5 रहेगा बेटा, because वो difference जो हम देख रहे हैं ना वो एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं होता। लाइक हम जब 1 से 10 लिखते हैं तो उसको 10 लिखते हैं, तो वो उसका विड्थ होता है बेसिकली। 31 से लेकर 35 तक सब कुछ काउंट है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 5 होगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, चलो यू हैव ऑल दी वैल्यूज, यू हैव ऑल दी कैलकुलेशन, सॉल्व करो एंड लेट मी नो दी फाइनल आंसर। पहले मीडियन मिलेगा, फिर आपको मीडियन से डिविएशन निकालना है। सॉल्व करो, यू हैव 2 मिनट्स एंड लेट मी नो दी आंसर।
ओके चलो सब एक बार चेक कर लो. ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैलकुलेशन. इसका मीडियन जो फाइंड आउट किया सबका सेम आया 38.5 मीडियन. देन इसके बाद आपको क्या करना था, अगेन आपको मैंने बताया भी था कि जब भी आपके पास ऐसे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी मिलता है तो आप एक्स आई कैसे निकालते हो, आप एवरेज निकाल लेते हो बेसिकली. सो एवरेज अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स आई इज नथिंग बट आपके पास 16 प्लस 20 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 18. तो मैंने सबके एवरेज निकाल दिए 18, 23, 28 एंड सो ऑन. तो ये अपना एक्स आई डिनोट करेगा हर एक क्लास के करस्पॉन्डिंग. तो ये हमने एवरेज निकाला, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया था. नेक्स्ट मैंने निकाला एक्स आई का मीडियन से डिफरेंस कितना है. तो मीडियन 38.5 था तो उससे हमने एक्स आई के डिफरेंस क्रिएट किए 38.5 हाँ बराबर ठीक है 20.5 ऐसा तो रेंज मिला प्रॉपरली पूरा. तो ये वैल्यूज मिलते हैं. नेक्स्ट इज एफ आई मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म जो हम करते थे हमेशा डिविएशन निकालने के लिए. तो एफ आई मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म ये हो जाएगा अपने पास ये वैल्यूज. इन सबको ऐड किया तो ऐड करने पर आंसर आया 748. जब डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना होता है तो इन सब वैल्यू का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितना आ गया फाइनली, इट इज कमिंग आउट टू बी 7.48. तो यही रहेगा अपना फाइनल आंसर. इट इज नथिंग बट इक्वल टू 7.48 दैट इज डिविएशन अबाउट मीडियम. सबको समझा सॉल्व कैसे किया. हाँ सो जो अपने पास डिस्पर्जन है दैट इज सेकेंड पार्ट बेसिकली, उसका भी हम लोगों ने दो पार्ट देख लिया, रेंज एंड मीन डिविएशन. ठीक है अब इसके बाकी दो पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं. ओके बेटा बाय सर. बाय बेटा. बाय सर. बाय सर. कल के लेक्चर का रिकॉर्डिंग हाँ बेटा अभी अपलोड करता हूँ नेक्स्ट वन आवर में कंफर्म. ओके चलो बाय.